सेल्यूलर जेल, काला पानी जेल। वेलकम बैक टू आई न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं कहाँ? लाल किला घूमने जा रहे हैं। अब मेट्रो का टिकट वगैरह लेंगे, फिर चलते हैं आगे। मेट्रो अक्षरधाम पे रुक गई, तो हम लोगों को अक्षरधाम रुकना पड़ गया, दूसरी मेट्रो चेंज करेंगे। मेट्रो के अंदर चलना है। पैरों को पीली रेखा के अंदर रखें। ये लो देख लो भाई, लाल किला। इसको बिल्कुल वैसा ही लाल किला है ऐसा आगरा में है, आगरा का लाल किला। अगर नहीं देखा हो ब्लॉग तो देख लीजिए, हमारे ब्लॉग में पड़ा होगा। यहीं पे झंडा फहराया जाता है। दूल्हे वाला ले लिए, अब यहाँ पे टिकट है, टिकट लेते हैं, देखते हैं टिकट कितने रुपए का है। टिकट है 50 रुपये का और म्यूजियम का टिकट 80। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो 35 रुपये का है और म्यूजियम का 56 का पड़ता है। बताओ आप कौन सा लेना चाहेंगे? दोनों लेना चाहते हो? फाइनली हम लोगों ने एंट्री कर ली है, हम लोगों ने टिकट लिया म्यूजियम का प्लस रेड फोर्ट का, दोनों का टिकट लिया है। ये तो अब अंदर चलते हैं। बस तो हम किताबों में देखा करते थे लाल किला, आज हम लाल किले पे आ गए हैं। तो कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा हो रहा है। चलो फिर आगे अंदर जाके देखते हैं कैसा है लाल किला। हो रहा है क्या? लाल किला रेड फोर्ट जो आगरा का है ना, सेम वैसा ही है। यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं, काफी लोग आए हुए हैं, टूरिस्ट लोग। लाल किला में मार्केट लगा हुआ है पूरा मेले के जैसा। आओ खरीदो 35 रुपये टिकट लेके, फिर यहाँ पे टोपियाँ खरीद दो, फिर खरीदो। यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी चीजें बिक रही हैं, आराम से खरीद सकते हैं आप। ये लीजिए पुरखों की रसोई, क्या इसमें खाना बनाया करते थे। भाई तुम इतनी जल्दी थक गए? हाँ भाई, अगर दीवाने हम जहाँ बैठे करते थे और लोगों की शिकायतें सुना कर रहे थे, यहाँ पे दीवाने हम इसको बोलते हैं। जिस कदर का नज़ारा है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये खास महल, यहाँ पे रानियाँ रहता कर रहा करती थी। क्यों ब्रजेश? हाँ, किसकी रानियाँ रहती थी यहाँ पे? शाहजहान की है ना। ये है दीवाने खास और रंग महल, इधर शाहजहाँ की कितनी रानियाँ थी अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। महल, ये बादशाह का निजी महल था। इस महल के तीन भाग हैं, तीन कमरों का समूह जो दीवाने खास की तरफ है। तस्वीर खाना प्रार्थना कक्ष के रूप में जाना जाता है। इसका प्रयोग बादशाह द्वारा निजी इबादत के लिए किया जाता था। खास महल, ये मोटी मस्जिद ने अपने निजी उपयोग के लिए करवाया था। पेमेंट पेव में इबादत करने के लिए उसको अपने शयन कक्ष से केवल कुछ ही कदम चलना पड़ता था। बता, बहुत आलसी थे पहले के लोग। हीरा महल, आप कमेंट करके बताएं इस महल में क्या है। भाई महल नाम का तो कुछ है नहीं। चलो अब कहीं नहीं, म्यूजियम चलते हैं। फर महल, मतलब यार इसमें रहते कैसे होंगे इतने छोटे छोटे से में। ये जफर महल है, बादशाह जफर द्वारा 1842 में बनाया गया था। हतहयात बख्श बाग के बीचों बीच और सावन भादो मंडप के सीध में मौजूद है। डर हो गया ना, इस खंडरों में क्या होता होगा यार। सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस जी की तलवार है ये। देख रहे तलवार धार देख रहे। आजाद हिंद फौज के तबम और पदक ये होते थे, मेडल होते थे। ये देखिए, ये है जापानीज करेंसी। आजाद हिंद फौज मेजर कप्तान के कंधे पर लगाए जाने वाले बैच, मेजर पे लगाए जाने वाले बैच। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्सी, ये है कुर्सी उनकी। देखिए विद्यालय के दिन,
रानी झांसी रेजिमेंट के कप्तान लक्ष्मी स्वामीनाथन की टोपी, लेफ्टिनेंट आशा सहाय की टोपी, कैशबुक का आई एन ए हेड, करेंसी हो रखी है जफर की कब्र पर नेताजी। यह कलकत्ता से बर्लिन तक का सफर सुभाष चंद्र बोस जी का। जलियांवाला बाग का कुछ दृश्य दिखाया हुआ है। जलियांवाला बाग में होके आया हूँ बड़ा, वहाँ पे गोलियों के निशान अब भी बने हुए हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के क्या चीज है ये, आप सभी के नाम जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो भी शहीद हुए थे उनका आप नाम लिखा हुआ है ना, तभी खुलता हुआ नहीं, खुलता नहीं है सच का सत्य नाम। पोस्ट ऑफिस बायो डाक सेवा, ये बायो डाक और चरखा गांधी जी थोड़ा पोस्ट ऑफिस में बता रहे थे कि पोस्टमैन चिट्ठी दे रहा है, आपको सामने से दिखाता हूँ। ये फ्लैटिंग डाक घर है, तो पानी में फ्लैट करता रहता है। ये उधर समुद्र की गुजरात की साइड मिल जाएगा आपको। ये देखिए पोस्टमैन ज़्यादा नहीं चिट्ठी देता है। म्यूजियम है, जितना ही म्यूजियम होगा इसमें तो पूरा वसूल हो जाएगा। क्यों 80 रुपये म्यूजियम वाला जी। मैं भारत स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम आर्ची लोग दरबार है। ये यार उठा लोगे तो अच्छा रहेगा ना, कोई डरे तो बता दो। धनुष है यार, क्यों ये कैसा धनुष है? हाँ धनुष पा रहे जिससे आप पाए। बस इसमें देखने लायक म्यूजियम है, बाकी तो कुछ खास नहीं है। बहादुर शाह जफर का कलमदान, इसमें अपना पेन लिखा करते थे बहादुर शाह जफर। रॉयल खंड, यह है रॉयल खंड, नैनीताल, हल्द्वानी, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली। अभी तुम्हारे यहाँ पे रॉयल खंड यूनिवर्सिटी है। यह है लखनऊ, लखनऊ में 1857 में लखनऊ ऐसा था। दिल्ली 11 मई 1857 भाई, 1857 में दिल्ली देखो। बहादुर शाह जफर की तलवार और म्यान, बहादुर शाह जफर ऐसे कपड़े पहनते हैं, बहादुर शाह जफर की बेगम के कपड़े हैं। क्रांति का केंद्र गोल भट्टा, मेरठ छावनी, मेरठ जेल। वाली पिंच लगा किसी की सर पे लगती फट जाता होगा कभी, आगे से पूरा मुंह फटा हुआ है उसका, पट से हेडशॉट लगता होगा। बहुत अच्छा लगा, 80 रुपये वसूल हो गए, 80 रुपये वसूल हो गए भाई। इनका क्या काम है यहाँ पे? ए हेलो, इसका क्या काम है यहाँ पे? लो खैर मुमताज सही से रह लेती होगी, क्यों ये तो खैर बड़ा है, अब से उसमें आराम से रह लेती होगी। लेकिन डर लगता होगा, सारा खुला हुआ है, गेट तो इसमें नहीं है नहीं। किले के अंदर खाना भी खा सकते हो आराम से। कैसा लग रहा है टेस्ट? कोई खास नहीं है, पहले का बना हुआ रखा है। आज़ादी के दीवाने भाई, तोप चलाएगा क्या? सेल्यूलर जेल, ठीक है ठीक है। जेल जंजीरें हुआ करती थी,
हमारे वीर सेनानी कई बार अंग्रेजों के अमानवीय हथकंडों का विरोध करने के लिए भूख हड़ताल कर देते थे। उनकी भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने और भी विशेष तरीका निकाला था। प्रतिरोध कर रहे सेनानियों को जिंदा लाश बनाए रखने के लिए 3-4 सिपाही जकड़ लेते और उनके मुंह या नाक में जबरन रबर का पाइप घुसाकर दूध और चीनी का घोल डाल दिया जाता। इस कष्टदायक प्रक्रिया से प्रताड़ित बहुत से सेनानियों की मृत्यु तक हो जाती थी। महावीर मोहन किशोर और मोहित मित्रा इसी तरह शहीद हुए थे। अंग्रेजों की इस विशेषता की इस अमानवीय कृत्य की खबरें भी जेल की दीवारों में कैद रह जाती थी। काला पानी जेल अंडमान यानी काले पानी की सजा वो सजा थी जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम के उन सेनानियों के लिए विचार किया था जिन्हें वे अपने साम्राज्य के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक समझते थे। स्वतंत्रता सेनानियों का मनोबल तोड़ने के लिए उन्हें जिस तरह की यातनाएं दी जाती थी वे यातनाएं हमारे इतिहास का ऐसा काला दाग है जो कभी मिट नहीं सकता। हमारे ये सेनानी कई बार अंग्रेजों के अमानवीय हथकंडों का विरोध करने के लिए खूब हड़ताल कर रहे थे। रावल किशोर रियासत, कश्मीर रियासत, हैदराबाद रियासत, अलवर रियासत। बता सकते हैं कृपया करके बताइए क्या चीज़ है? तिलेश्री बरुआ, सुनीति चौधरी, बाजी राव। तो आप बाहर से देखते हो ना इतनी अच्छी दीवार होती है, अंदर से देखो कबाड़ा हो रखी है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने ताजमहल नहीं लाल किला तो घूम लिया, बाकी काफ़ी अच्छा लगा। म्यूजियम में खैर थोड़ा सा पैसा वसूल हो गया, उस म्यूजियम खुले हुए बाकी कुछ बंद कर रखे हैं, तो अगर आप आना चाहें तो आके देख सकते हैं। बाकी अच्छा लगा, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी इंतजार करें तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।